अर्चना स्वेज पाकशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लाल मिर्ची का अचार बनाने जा रही हूँ। ये मिर्ची हमने काट कर इसका अचार बनाया हुआ है और ये कई दिनों तक खराब नहीं होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं लाल मिर्ची का अचार। मिर्चियों को हमने अच्छी तरह से धो लिया है और अच्छी तरह से टिश्यू से पोंछ लिया है। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके हम टुकड़े करेंगे। सभी मिर्चियों को हमने काट दिया है और इसके अंदर के सारे बीज हमने निकाल दिए हैं, क्योंकि बीज बहुत मोटे मोटे होते हैं तो ये अचार में अच्छे नहीं लगेंगे। इसके बीज और डंठल हमने निकाल दिए हैं। तो अब हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। अचार में डालने के लिए हम सौंफ लेंगे, तो हमने 2 चम्मच सौंफ को हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। सौंफ का जो नमी बना है वो निकल जाए। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हमने गैस बंद कर दी है और इसके अंदर 2 चम्मच हम डालेंगे पिसी हुई राई। तो 2 चम्मच हमने पिसी हुई राई है, इसको भी हम थोड़ा सा सेक लेंगे। गैस बंद है और थोड़ा ही इसको सेकना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना हम करके निकाल लेते हैं इसको। पैन में हम 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे और इसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, क्योंकि ये तेल वाला अचार बना रहे हैं इसलिए हमने 4 चम्मच तेल डाला है। और सरसों के तेल को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही गर्म करना है सौंफ के साथ में। मेथी को भी दरदरा पीस लेते हैं। कटी हुई मिर्चियों में हम डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा नमक डालेंगे 1 चम्मच के आसपास, और हमने राई सौंफ और मेथी को दरदरा पीस लिया था, तो ये राई सौंफ और मेथी इसमें मिला देते हैं। और थोड़ी सी हींग डालते हैं। ये सब डालने के बाद में इसको हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं। आप चाहे तो इसमें धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। धनिया को दरदरा पीस के मिर्ची के अचार में डाल सकते हैं धनिया। तो धनिया पूरी तरह से ऑप्शनल है, क्योंकि अचार में ज़्यादातर धनिया नहीं डाला जाता है, लेकिन लाल मिर्ची के अचार में धनिया डालते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिला दिया है और तेल हमने गरम किया हुआ था, तो थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर हम तेल डालेंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से तेल डाल के इसको थोड़ी देर तक खुला ही रखेंगे, ढकेंगे नहीं। अब इसको पूरी तरह से ठंडा होने के बाद में ही इसको हम एयर टाइट डब्बे में भर के रखेंगे, या तो किसी बर्नी में भर के रखेंगे और या कांच की बोतल में। और यह अचार कई दिनों तक चलता है, खराब नहीं होएगा। और इसमें 1 चम्मच हम विनेगर डाल देंगे, वाइट सिरका। इसमें हम 1 चम्मच सिरका डाल देते हैं और सिरका डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। अचार बन गया है खाने लायक, 3 दिन में होगा। इसमें हमने बहुत कम मसाले डाले हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसको कांच की बोतल में भर के रख देंगे।
अभी अचार ठंडा हो गया है, अब हम इसको एक साफ कांच की बर्नी में डाल के रख देते हैं और ये 2 या 3 दिन के बाद में खाने लायक हो जाता है। लाल मिर्ची का अचार बनकर तैयार हो गया है। इसमें हमने विनीगर डाल दिया है और थोड़ा नमक और डाला हुआ है। नमक ज़्यादा डालने से अचार काफ़ी दिनों तक टिक जाता है, ख़राब नहीं होता है, और विनीगर डालने से भी अचार ख़राब नहीं होते हैं। तो चलिए इसे स्वादिष्ट अचार को आप भी बनाइए। लाल मिर्च सर्दियों के मौसम में अक्सर बाज़ार में मिलती है, तो अभी इसे ज़रूर बनाइए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।